अस्सलामुअलैकुम। तो जी गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज की इस वीडियो में हम रावी के ब्रिज के बारे में बात करेंगे, इसके इफ्तिताह के बारे में, और इफ्तिताह के बाद अभी जो रावी ब्रिज पर काम होगा उसके बारे में हम इंशाल्लाह इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों में शेयर भी करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो अभी चलते हैं हम आगे रावी ब्रिज के ऊपर भी। आप देखेंगे इस वक्त मैं बत्ती चौक से आगे जा रहा हूँ रावी ब्रिज के ऊपर। तो फिलहाल जो है वो न्यू रावी पुल के ऊपर तमाम की तमाम ट्रैफिक है। जो पहले वाला ब्रिज था वहाँ पर आप कह लें कि काफ़ी कमी जो है वो देखने को मिली है, बहुत कम ही ट्रैफिक जो है वो उस ब्रिज से जा रही है। बाकी आलमोस्ट कह लें कि आप 95% जो ट्रैफिक है वो न्यू रावी पुल के ऊपर से ही जा रही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अभी जो है वो रावी ब्रिज के ऊपर कौन कौन सा काम पेंडिंग है। सबसे पहले हमारा जो न्यू रावी पुल है उसका इफ्तिताह हो गया है। मरीम नवाज़ ने इसका इफ्तिताह कर दिया है। आपको पता है कि 14 अगस्त तक जो है वो हमारा रावी पुल का काम आलमोस्ट 99% कंप्लीट था। छोटे मोटे काम थे जो पेंडिंग में थे, लेकिन 14 अगस्त को इसका इफ्तिताह होना था, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो 14 अगस्त को इसका इफ्तिताह नहीं किया गया। रीज़न ये थी कि मरीम नवाज़ के पास टाइम नहीं था या वल्ला आलम वो बिज़ी थी, उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 14 अगस्त को इसका इफ्तिताह नहीं किया गया। तो लेकिन आज फाइनली जो है वो रावी ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया गया है और इसको जो है वो प्रॉपर ट्रैफिक के लिए, तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो इसको ओपन किया गया है। सुबह 9:10 के करीब रावी ब्रिज का इफ्तिताह हुआ है। ये कल की वीडियो है, कल शाम की कह लें, यानी कि कल दिन टाइम की वीडियो है, तो आज मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो इसका जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है। उसके अलावा बाकी जो काम पेंडिंग है इसमें, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले रावी ब्रिज के ऊपर जो काम पेंडिंग है वो ये हैं कि जो दो पुराने ब्रिजेज़ हैं ना, जहाँ से मेट्रो बस जाती है और जहाँ से हमारी ट्रैफिक जो है वो शाहदरा से जाती है आगे बत्ती चौक वाली साइड पर, सबसे पहले जो है वो उसका काम होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि सुबह के टाइम वहाँ पर काफ़ी रश देखने को मिलता है और बाज़ दफ़ा बंदा अगर वहाँ पर फंस जाता है तो वो लंबा ही वहाँ पे फंस जाता है। और ट्रैफिक जो है वो अगर वहाँ पे ज़्यादा हो, जैसे कि मंडे वाले दिन तमाम लोग जो है वो आउट ऑफ सिटी से लाहौर में आते हैं, तो मंडे की सुबह को जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। मींस के जहाँ से हमारा रावी पुल शुरू होता है वहाँ से लेकर आप कह लें कि जो रावी होटल है, सुबह आप अगर आएँ 9:10 के करीब आएँ तो आपको जो है वहाँ तक ट्रैफिक का हजूम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है वो उसका काम होना लाजमी है। वो काम जब तक कम्प्लीट नहीं होगा तब तक जो है वो ये हमारा न्यू रावी पुल बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि न्यू रावी पुल बनाया गया है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो ट्रैफिक हमारी बत्ती चौक से आगे शाहदरा वाली साइड पे जाती है वो तो ऑलरेडी कहने कि आप ट्रैफिक वहाँ पर कम ही होती थी इस ब्रिज पे, लेकिन इस ब्रिज को बनाया गया ताकि जो दो पुराने ब्रिजेज़ हैं उनको जो है वो मर्ज करके तमाम की तमाम ट्रैफिक जो है वो जो शाहदरा से जाएगी बत्ती चौक उनके उसके ऊपर लाया जाए। तो वहाँ पर जो है वो काम करना लाजमी है, बल्कि ज़रूरी है। तो वो काम इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले एक या दो हफ्ते के अंदर अंदर वो भी काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो न्यू रावी पुल है इसको बनाया है मार्क्सन कंपनी ने। अब पता नहीं वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उस ब्रिज का वो मार्क्सन को मिलता है नहीं मिलता, उसका भी टेंडर रहेगा। टेंडर के बाद जो है वो पता लगेगा कि वो जो प्रोजेक्ट है वो किसके पास जाता है। सबसे पहले जो है वो जहाँ से मेट्रो बस और हमारी ट्रैफिक जाती है उसको मर्ज किया जाएगा। वो मर्ज करने के बाद वो भी ब्रिज हमारा कह लें कि 4 लाइन्स हो जाएगा। अभी ये ब्रिज जो है वो अभी मैं जा रहा हूँ ये 4 लाइन्स ब्रिज है। तो ऐसे ही जो ब्रिज हमारे वो वाले हैं वो भी जब मेट्रो बस का रूट और वो दोनों सेम हो जाएंगे ना तो वो भी हमारा 4 लाइन्स ब्रिज हो जाएगा। बाकी रहा जो दरमियान में ब्रिज है जो आज से कोई 7-8 साल पहले जिसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी, उस ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो उस ब्रिज के ऊपर से हमारी मेट्रो बस जो है वो उसका रूट सेट किया जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं आप काफ़ी जगह जो है वो डाउन है। तो अभी आप कह रहे हैं कि उस जो रूट है ये वाला हमारा, इसको जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। मेट्रो बस का रूट, अभी जो मेट्रो बस आ रही है हमारी जिस रूट से, उसको जो है वो इसके साथ कंबाइन करके मेट्रो का एक रूट सेट होगा। बाकी उन दो ब्रिजेस पे काम होगा, उनको मर्ज किया जाएगा। बाकी देखेंगे आप सामने आपको जो है वो मेट्रो नज़र आ रही है, यहाँ से ही बिल्कुल मेट्रो बस जहाँ से आपको नज़र आ रही है ना, इस साइड से ही इसको जो है वो इस साइड पर लेके आया जाएगा और जिसके बाद ये जो है वो इस ब्रिज से जाएगी। बाकी देखेंगे आप सामने जो है वो आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है। अभी 2 बजे का टाइम है, 1-2 का टाइम है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक है। तो मींस के यहाँ पर ट्रैफिक हमेशा ऐसे ही रहती है। तो बाकी उसके अलावा एक और मसला है मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अभी आप देखेंगे सामने ये जो गोश्त वाले हैं, इनको चाहिए कि ये लोग जो है वो जो
पैदल वाला वे बनाया गया है ना, जहाँ से पैदल जाने वाले हजरात गुजरेंगे, इनको इस साइड पे आना चाहिए। इनको जो है वो न्यू रावी पुल के ऊपर नहीं आना चाहिए, वरना ये ट्रैफिक पर जो है वो मसला बनेगा ट्रैफिक का, क्योंकि इसके ऊपर फुटपाथ नहीं है। तो काइंडली इनको चाहिए कि ये लोग जो है वो जहाँ से पैदल वाले लोग जाएंगे ना, उस साइड पे आएँ, इस साइड पे ये लोग ना ही आएँ तो बेहतर है, क्योंकि ट्रैफिक में जो है वो काफ़ी इनके कहने के रश होता है, तो खुदा ना खास्ता कोई मसला वगैरह बन जाता है। तो इनको चाहिए इस साइड पर आएँ। ये लोग देखेंगे, मैं आ रहा था तो काफ़ी जगह पर जो है वो ये लोग खड़े थे, तो अभी देखेंगे ना सामने क्या कर रहे हैं ये लोग। तो इनको चाहिए कि ये इस साइड पर ना ही आए ये, बल्कि जहाँ से पैदल गुजरने वाले लोग जाएंगे उस साइड पर इनको आना चाहिए। तो बाकी उसके अलावा बाकी जो दूसरा काम है वो भी इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर हमारा जो रावी का पुल है वो तमाम का तमाम जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। बाकी ये जो रूट है इसको भी सेट करना है, काफ़ी यहाँ से रफ़ है, इसको भी जो है वो सारा कह लेंगे एक लेवल करके जो है वो इसको सेट किया जाएगा। तो बाकी जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं हमारे लेफ़्ट साइड पर, इस ब्रिज से मेट्रो बस जाएगी। तो उसके अलावा बाकी जो दूसरी साइड, दोनों साइड हैं यहाँ से मेट्रो बस भी आ रही है, ये वाली साइड और दूसरी साइड, दोनों को कंबाइन करके जो है वो वहाँ से रूट को सेट किया जाएगा। तो फ़िलहाल ये वाले काम जो हैं वो भी पेंडिंग में हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये भी काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमारा तमाम का तमाम जो काम है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की मेरी वीडियो इतनी थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करके चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you.